नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाजी कंस्ट्रक्शन रोड निर्माण कंपनी के द्वारा चिनोर नया गांव रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिया बनाई जा रही है, जिसमें ठेकेदार यशपाल कुंदू और इंजीनियर रविंद्र कुमार के द्वारा चिनोर थाना परिसर के पास एक पुलिया निर्माण के दौरान 11,000 हाई टेंशन लाइन का विद्युत पोल पानी के बीच बाहों में खड़ा कर दिया है। पोल के चारों ओर से जेसीबी से मिट्टी को भी हटवा लिया है, जिससे कभी भी ये पोल धराशाही होकर रहवासी के मकान पर गिर सकता है, हो सकता है हादसा। और उन्होंने बताया कि ठेकेदार और इंजीनियर के द्वारा गुणवत्ता ही मटेरियल लगाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। और पुराने विद्युत पोल पाइप पेड़ों को बेच डाला है। चिनोर संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। कैसा हो रहा निर्माण? बिल्कुल थर्ड क्लास माल लगाया जा रहा है। इसमें आप आगे किसी भी अधिकारी आगे चेक कराया जाए, और यहाँ का पीओडी का अधिकारी कोई नहीं आता है, सबकी मिली वजह से काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। क्या समस्या है? मेरे को समस्या ये भैया कि मेरे जो मकान है ये वाला, इसके ठीक सामने ये पुलिया का निर्माण हो रहा है, और पुलिया निर्माण करने वाले ठेकेदार बंसल साहब, कुंडू साहब और उसका इंजीनियर रविंद्र कुमार, तीनों ने ये पोल जबरदस्ती करके मेरे मकान के सामने गड़वा रखा है। जबकि यहाँ नाला बहता है, आप देख रहे हैं जी, नाला बह रहा है। उसके बाद में भी मेरे मना करने के बाद में भी नहीं माने, और चलो कोई बात नहीं, खंभा लंग भी गया, उसके बाद में सारी आसपास की मिट्टी हटा ली गई है उसकी। अब ये पोल कभी मेरे मकान में गिर सकता, मेरे को क्षति हो सकती है। मेरे को इस संबंध में लेके आपने किसी? मैंने कई बार उसे कहा, आज मैं थाने में तहसीलदार साहब को और MP विभाग में भी आवेदन देने जा रहा हूँ, पहले भी दे चुका हूँ मैं, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है।